हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग देखते हैं इंट्रोपी के बारे में। ठीक है, हमारा एक यूनिट वन का एक टॉपिक बचा हुआ है इंट्रोपी, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंट्रोपी एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ 3E, इंट्रोपी, एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी के बारे में तो हमने समझ लिया कि एनर्जी क्या होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है? इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि एक ऐसा स्टेट जहां पे अगर दो बॉडी अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव कोई भी रिएक्शन हो ना। ठीक है, दो बॉडी अगर पास में आ रहे हैं तो दोनों के बीच में फोर्स बैलेंस हो, टेम्परेचर बैलेंस हो, और उसका जो केमिकल इक्विवेलेंट है रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी इक्विवेलेंट हो, तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी जो है वो एक पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है। और एक उसी 3E में एक हमारा ई बचा हुआ है इंट्रोपी। तो देखिए, इंट्रोपी क्या होता है, जैसे इंथेल्पी होता है, तो इंथेल्पी को हमने जिस तरीके से एक बार डिफाइन किया था वैसे ही इंट्रोपी को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक सिंगल वर्ड में अगर मैं इंट्रोपी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो इंट्रोपी जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के रैंडमनेस को बताता है। रैंडमनेस को बताता है मतलब क्या कि सपोज करिए अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी मॉलिक्यूल कुछ इधर उधर होंगे, मतलब उसके मॉलिक्यूलर्स के बीच में रिएक्शन या फिर वाइब्रेशन होगा। तो इंट्रोपी ये मेजर करेगा कि अगर हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं या उससे हीट रिलीज कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या रैंडमनेस आया, उस रैंडमनेस को ही हम मेजर करेंगे इंट्रोपी के थ्रू। क्लियर है? तो मतलब इंट्रोपी क्या हुआ, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। क्लियर है? अगर हम इसको एक और दूसरे टर्म्स में भी अगर इंट्रोपी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, हम लोग डिस्कस किए थे हीट इंजन। तो हीट इंजन में क्या होता है, कोई भी जो हीट इंजन होता है, एक हायर जो हॉट रिजर्वायर होता है वहाँ से हीट लेता है और उसको वो वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और इन दिस प्रोसेस में हमने ये भी देखा था कि ये जो टोटल जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो पूरी तरीके से W में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, इसका सम अमाउंट उसको क्या करना पड़ता है, जो सिंक होता है, कोल्ड रिजर्वायर होता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो देखिए, Q1 मतलब ऐसा मतलब समझिए कि अगर किसी सिस्टम को हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 100 किलो जूल हीट दिया और उससे हम लोग मान लीजिए 60 किलो जूल जो है वो उसे वर्क प्रोड्यूस किए, वर्क ऑब्टेन किए, तो जब 60 किलो जूल हीट को प्रोड्यूस अगर हम लोग कर लेंगे तो जो हीट रिजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये जो 40 अमाउंट ऑफ किलो जूल ऑफ जो हीट है उसको हम यूज कर ही नहीं सकते। क्लियर है? ये डायरेक्टली हमने एटमोसफेयर को, अगर सिंक है, एटमोसफेयर है, तो उसको हमने रिलीज कर दिया। मतलब इस अमाउंट, ये जो Q2 जो हीट होता है या Q2 अमाउंट जो एनर्जी जो हम एटमोसफेयर को रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी मतलब कि जो हमने हीट सप्लाई किया उसका सम पार्ट W में कन्वर्ट हो गया और ये 60 में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी मतलब कि इसको फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि हमने हीट इंजन से वर्क प्रोड्यूस किया और उस वर्क को यूज हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या किसी मशीन को चलाने के लिए या फिर किसी मशीन को ऊपर नीचे, मतलब कुछ भी जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो W नेट आया इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अवेलेबल एनर्जी। लेकिन जो Q2 अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी मतलब कि इसका हम यूज कर ही नहीं सकते, इसका कोई यूटिलाइज होगा ही नहीं, इतना रिजेक्ट होना ही हो रहा है, और इसको हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते। मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर Q2 की अमाउंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब Q1 डायरेक्टली पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा W नेट में, और ऐसा पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये क्या करेगा, हमारे सेकेंड लॉ को वायोलेट करेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायोलेट करेगा। केल्विन प्लैंक यही बोलता है ना कि कोई भी ऐसा मशीन बना ही नहीं सकते जो एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और उसको पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब अगर रियल प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कुछ ना कुछ उसको हीट यहाँ पर रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो अगर उसी चीज को इंट्रोपी मेजर करेगा कि देखिए अगर किसी सिस्टम का, जैसे रिवर्सिबल जो इंजन होता है उसका इंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नहीं, रिवर्सिबल इंजन का इंट्रोपी जीरो होता है। तो अगर किसी सिस्टम का इंट्रोपी जीरो है तो जीरो है मतलब कि वो मिनिमम टू मैक्सिमम वर्क वो क्या करेगा, अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान ले 100 किलो जूल अगर एनर्जी वो ले रहा है तो वो कोशिश करेगा, अगर वो रिवर्सिबल इंजन है तो मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकेगा उसको वो अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और रिजेक्ट क्या करेगा, मिनिमम से मिनिमम करेगा। तो इसी को हम मेजर करते हैं इंट्रोपी के टर्म्स में। तो इंट्रोपी क्या बताता है कि इंट्रोपी ऑल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अनअवेलेबल टू डू वर्क। मतलब अगर किसी सिस्टम का इंट्रोपी ज्यादा है तो मतलब कि उसके में अनअवेलेबल एनर्जी ज्यादा है। अनअवेलेबल एनर्जी मतलब कि हम उस पर्टिकुलर, मतलब कि अगर हम 100 किलो जूल दे रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और 100 किलो जूल दूसरे भी ऑब्जेक्ट को दिए, अब हो सकता है कि जो पहला वाला जो सिस्टम होगा वो 100 किलो जूल अमाउंट लिया और 60 किलो जूल वहाँ पे एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे दिया और 40 जो है वो अनअवेलेबल हो गया। दूसरे केस में मान लेते हैं कि यहीं पे हम लोग एक डायग्राम और बना लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी टू है, ये भी मान लीजिए कि 100 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट लिया और उसका वो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो 80 किलो जूल अमाउंट जो है वो वर्क में दे दिया और 20 किलो जूल जो है उसका अनअवेलेबल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो इंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम का इंट्रोपी ज़्यादा है इसीलिए वो ज़्यादा अनअवेलेबल एनर्जी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अनअवेलेबल एनर्जी को वो रिजेक्ट कर दे रहा है सिंक को। तो अल्टीमेटली हम इसे ये कंक्लूड करेंगे कि अगर किसी सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रैंडमनेस भी कम होगा और रैंडमनेस कम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हॉट रिजर्वायर से लेगा उसका मैक्सिमम अमाउंट वो वर्क में या अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? तो मतलब अब आपको ये दोनों डेफिनेशन से एंट्रोपी का एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि इंट्रोपी क्या बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं या उस सिस्टम से हीट को निकाल रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस में क्या चेंज आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डरनेस को जो मेजर करेंगे वही एक्चुअली इंट्रोपी बताएगा। क्लियर है? और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में रैंडमनेस ज़्यादा है तो रैंडमनेस ज़्यादा है मतलब कि वो अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो वो मोस्टली उसको अनअवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, अवेलेबल एनर्जी में वो कम कन्वर्ट कर पाएगा। और अगर वही सिस्टम में रैंडमनेस कम है तो रैंडमनेस कम रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को वो क्या कर देगा, हमारा अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप किसी रूम में जाते हैं और वहाँ पे सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे से अरेंज्ड हैं जहाँ पे उसको होना चाहिए, जो उस पर्टिकुलर ड्रॉ हो गया जहाँ पे वो रखना चाहिए, बेड पे जो चीज़ होना चाहिए बेड पर, टेबल में जो चीज़ होना चाहिए टेबल पे, मतलब कि आप रूम में जा रहे हैं और सारा चीज़ें एकदम अच्छे से अरेंज रहे। तो अच्छे से अरेंज रहे तो अगर आप मान लीजिए वहाँ पे आप पढ़ते हैं या सोते हैं या कुछ भी करते हैं तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एक पीस का फील होगा या आपकी ये बोलना चाहिए कि इफिशियंसी बढ़ जाएगी। हम लोग एग्जाम अपने स्टूडेंट लाइफ का देखते हैं कि अगर हमारे सारे बुक जो है, मान लीजिए कि मेरा अगर मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा टेक्निकल का सब्जेक्ट एक जगह पर रखा हुआ है, नॉन टेक्निकल का एक जगह पर रखा हुआ है, कोई और सब्जेक्ट अलग अलग, मतलब सारा चीजें ना एक जगह पे अरेंज रहे तो जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो हम जाएंगे बस वहां से पिकअप करेंगे और वहां से लेके हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? और वही एग्जांपल लीजिए कि सारा बुक मिक्स्ड है तो मिक्स्ड है मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, तो रैंडमनेस ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको 10-15 मिनट एक घंटे के पढ़ाई में 10 से 15 मिनट आपको बुक खोजने में ही लग जाएंगे। क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रैंडमनेस ज्यादा है तो उसके कारण आपकी इफिशियंसी कम हो गई। अब लाइब्रेरी में ही जाइए, लाइब्रेरी में सारा बुक देखेंगे कि जो फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, सबका अलग अलग रहता है, फिर वो ब्रांच वाइज अलग अलग रहता है, तो उससे क्या होता है कि हम
इजिली जाते हैं और वो पर्टिकुलर बुक को पिक कर लेते हैं कम टाइम में। अगर वही सपोज करिए कि इतने सारे वो कितने सारे बुक रहते हैं उन सबको मिक्स करके कहीं भी रख देंगे तो हो सकेगा कि आप 2 से 3 दिन तो आप बुक खोजने में ही लग जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि वहां पर रेंडमनेस ज्यादा है, तो रेंडमनेस ज्यादा है तो आपके वर्क की इफिशियंसी को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, वर्क इफिशियंसी को रिड्यूस कर रहा है। वैसे ही एंट्रोपी क्या हमारे हमको बता रहा है कि वो मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को बताता है, और अगर किसी मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो उसमें जो वर्क करने की कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और अगर वही रैंडमनेस कम है तो वर्क करने की इफिशियंसी उसकी बढ़ जाएगी, और अगर वर्क करने की इफिशियंसी बढ़ जाएगी मतलब अनअवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होप आपको एंट्रोपी समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी किसी मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को बताता है, और अगर किसी बॉडी में रैंडमनेस जितना कम से कम होगा उसको उसका मैक्सिमम पार्ट हम अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जो अनअवेलेबल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी रिजेक्ट होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा एंट्रोपी। दूसरा चीज ये भी आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि जो एंट्रोपी जो होता है वो एक पॉइंट फंक्शन होता है। हम लोग पढ़े थे ना एक पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, तो एंट्रोपी जो होता है वो एक पॉइंट फंक्शन होता है, और हर आपको ये भी याद होगा कि हर वो पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी जो कि पॉइंट फंक्शन होता है वो एक्चुअली सिस्टम की प्रॉपर्टी भी होती है। सिस्टम की प्रॉपर्टी मतलब क्या कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये रहा है एक इंट्रोडक्शन एंट्रोपी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसके में एंट्रोपी चेंज कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर किसी सिस्टम में डेल्टा एस जो एंट्रोपी होता है उसको एस से डिनोट करते हैं, तो ये जो डेल्टा एस है एक्चुअली क्या है, ये चेंज इन एंट्रोपी। तो अगर किसी सिस्टम का अगर हमें ये मेजर करना होगा कि कितना चेंज इन एंट्रोपी होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू मतलब कि कितना हीट ट्रांसफर हम किए डिवाइडेड बाय उसका क्या उस पर्टिकुलर बॉडी का उस समय टेम्परेचर क्या था। क्लियर है? तो यहाँ से हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी एस लिख सकते हैं। तो अगर टी इंटू डी एस है तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी इंटू डी एस। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और इंट्रोपी के टेम्परेचर और इंट्रोपी वर्सेज अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको ये जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा टीएस डायग्राम में वही एक्चुअली क्या हो जाएगा, हमारा हीट ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी इंटू डी एस। टी इंटू डी एस मतलब क्या कि ये एरिया बता रहा है, ये टेम्परेचर हो गया आपका और ये डी एस हो गया, चेंज इन एंट्रोपी हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें क्या बताएगा कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो ये हम लोग ऑलरेडी दिए हैं, और अगर वही पी वी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क ट्रांसफर बताता है, और टी एस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व बताता है हीट ट्रांसफर को बताता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो चेंज इन डेल्टा एस मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्स का, यूनिवर्स मतलब क्या कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हीट इंजन है, तो हीट इंजन क्या कर रहा है, एक रिजर्वायर से हीट ले रहा है और दूसरे रिजर्वायर को ट्रांसफर कर रहा है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे सपोज करिए अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं मतलब क्या, इन्वायरमेंट से हीट उस पर्टिकुलर बॉडी में जा रहा है। क्लियर है? तो अगर हम ये फाइंड आउट करना होगा कि टोटल उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना चेंज इन एंट्रोपी आया, तो उसको बोला जाता है टोटल चेंज इन एंट्रोपी को यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स में सब कुछ आएगा, सिस्टम प्लस उसके सराउंडिंग सब चीज आता है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होता है वो हम मेजर कर सकते हैं कि कितना सिस्टम में एंट्रोपी चेंज आया प्लस सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी में चेंज आया, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल एंट्रोपी में कितना चेंज आया या टोटल यूनिवर्स का कितना एंट्रोपी चेंज आया। और हमेशा याद रखने वाली बात है कि जो टोटल चेंज इन जो यूनिवर्स होता है या तो वो जीरो के बराबर हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस नहीं होती है, या तो वो जीरो होगा
जीरो कब होगा, जब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब टोटल चेंज इन यूनिवर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? और अगर कहीं पे भी अगर ये आपको फाइंड आउट करने को आएगा कि चेंज इन यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको सेकेंड लॉ याद आ रहा होगा तो सेकेंड लॉ का हमने डेफिनेशन क्या देखा था, या सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, एक तो ये बताता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं, पहला तो ये बताता था कि वो डायरेक्शन कि मतलब हीट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होने वाला है, और दूसरा बताता है कि क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कि मतलब या हीट ट्रांसफर कि हीट किस के किधर से किधर ट्रांसफर होगा वो बताता है, और दूसरा ये बताता है कि क्या वो पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं। वो हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस हो रहा है अगर हम उसका एंट्रोपी निकालेंगे और अगर उसका एंट्रोपी लेस देन जीरो आ गया, मतलब अल्टीमेटली अब हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? हमेशा क्या होगा कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी वो हमेशा इंक्रीज होते जाएगा, और अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो जीरो हो सकता है। देखिए पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, अब उसको कंपनसेट करेगा सराउंडिंग से। मान लीजिए कि जीरो लाना है तो ये -5 हो गया तो इसको +5 होना पड़ेगा, या ये -1 हो गया तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको +1 होना पड़ेगा। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम या सराउंडिंग का एंट्रोपी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ या टोटल चेंज इन यूनिवर्स का कितना हुआ, तो वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो जीरो होगा, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमेशा उसकी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब कि कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती। और अगर कहीं किसी प्रोसेस को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वहां पर एंट्रोपी जीरो आ गया, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। तो वही हम लोग बोले थे ना कि जब सेकेंड लॉ में एंट्रोपी पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे सेकेंड पॉसिबिलिटी वाला है कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया पॉसिबल है कि नहीं, तो वो यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अभी मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल में भी दे देगा कि हीट इंजन बहुत सारा अलग अलग जगह से हीट ले रहा है, तो आप फाइंड आउट करो कि क्या ये पर्टिकुलर हीट इंजन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालेंगे, और अगर वो पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉसिबल है, जीरो है तो मतलब वो पर्टिकुलर सा हीट इंजन रिवर्सिबल है, और अगर लेस देन जीरो उसकी एंट्रोपी आ रही है तो मतलब वो पर्टिकुलर जो हीट इंजन है वो पॉसिबल है ही नहीं, उतना अमाउंट ऑफ हीट या उससे हम वर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो रहेगी वो जीरो होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो होगा, और अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमेशा उसकी जो एंट्रोपी होगी वो जीरो से ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज और यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेस देन हो ही नहीं सकती, वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, मतलब किसी भी केस में उसकी चेंज इन एंट्रोपी लेस देन जीरो नहीं होगी। हमेशा या तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो जीरो होगा, या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। आप सुने होंगे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रलय आएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अर्थ होगा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्योंकि कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ते जा रही है। क्लियर है? अब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है, और रैंडमनेस बढ़ रहा है तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब कि नेचर को अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रलय आएगा। तो प्रलय और कोई कुछ नहीं है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी बढ़ रही है, जो यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है, वही एक दिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो एक मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, या ये बोलो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके एक नए तरीके से किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश करेगा, तो वही एक प्रलय का नाम देते हैं। जो भी है वो अपने को उस पर जाना नहीं है। तो यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस को मेजर करता है, और ये भी मेजर करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है तो अगर उसमें कितना अनअवेलेबल वर्क है, कितना काम करने की कैपेसिटी है, और अगर एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगा
रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगा तो अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगा, और रैंडमनेस कम होगा तो उसमें अनअवेलेबल एनर्जी मिनिमम होगा। फिर हमने ये देखा कि जो TS डायग्राम में जो हमारा जो प्लॉट होता है वही हमारा एक्चुअली क्या बताता है, हीट ट्रांसफर को बताता है। और एक चीज़ और हमने देखा कि जो टोटल यूनिवर्स की जो इंट्रोपी होती है वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। और हमेशा जो यूनिवर्स की जो इंट्रोपी होगी आइदर जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी, कभी भी वो मिनिमम नहीं हो सकती, क्लियर है। तो अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी इंट्रोपी हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी इंट्रोपी हमेशा जीरो होगी, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर अलग अलग केस में जो पर्टिकुलर हीट ट्रांसफ़र करेंगे तब उसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। तो अगर देखिए, अगर हम एक बात करें कि कोई हीट रिजर्वायर होता है तो उस हीट रिजर्वायर में अगर हीट ले रहा है या दे रहा है तब उसके में क्या चेंज आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पर ये एक रिजर्वायर वन है जो कि T1 टेम्परेचर पे है, और ये एक रिजर्वायर बी है जो कि T2 टेम्परेचर पे है, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि हीट, जब हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं तो उनके बीच में एक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, और मान लीजिए हम लोग इसको इंसुलेटेड कर दिए, इंसुलेटेड कर दिया मतलब कि सराउंडिंग में कोई भी हीट जा नहीं रहा है और नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर हम चेंज इन यूनिवर्स लिखने की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिस्टम है, एक ये सिस्टम हो गया, एक ये सिस्टम हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग। तो क्योंकि सराउंडिंग में हमारा कोई भी हीट रिलीज हो नहीं रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, लिख भी देते हैं यहाँ पे सराउंडिंग, तो उसका तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि रिजर्वायर वन का कितना एंट्रोपी में चेंज आया, रिजर्वायर बी में कितना एंट्रोपी में चेंज आया, और प्लस सराउंडिंग का कितना एंट्रोपी में चेंज आया। तो क्योंकि सराउंडिंग, क्योंकि ये इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड है तो ना हीट जा रहा है और ना आ रहा है, तो इस केस में हमारा जो डेल्टा ए सराउंडिंग है उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो केवल रिजर्वायर वन का अगर हम कैलकुलेट कर लें कि कितना चेंज इन एंट्रोपी आया, रिजर्वायर बी का कैलकुलेट कर लें कि कितना एंट्रोपी में चेंज आया, तो वही एक्चुअली यूनिवर्स की एंट्रोपी हमें निकल जाएगा। और अभी हमने देखा क्या कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है पर्टिकुलर सिस्टम का क्या होता है, हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम केल्विन में लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं, क्लियर है। एक्चुअली टेम्परेचर का SI यूनिट ही केल्विन होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग केल्विन में ही लेते हैं। तो देखिए अब यह क्या हो रहा है, रिजर्वायर वन जो है, रिजर्वायर मतलब क्या कि उसे कितना भी अमाउंट ऑफ हीट निकाल लो उसके हीट लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और नहीं उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आने वाला है। तो उस केस में अगर हम, हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी रिजर्वायर का अगर आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट अगर निकल रहा है, अगर हीट किसी भी चीज़ से निकालते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए कि रिजर्वायर वन का अगर हम एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी निकालने की कोशिश करें तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम निकाल रहे हैं तो माइनस Q1, क्योंकि हीट को निकाल रहे हैं इसलिए माइनस, अपॉन कौन से टेम्परेचर पर है, तो T1 टेम्परेचर पर है, प्लस अब देखिए ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट आया वो डायरेक्टली रिजर्वायर बी को मिल गया, तो रिजर्वायर बी को मिल रहा है मतलब कि क्या होना होगा, पॉजिटिव होगा, और कितना अमाउंट ऑफ हीट मिला, Q डिवाइडेड बाई जो रिजर्वायर बी का जो टेम्परेचर है T2। मतलब अगर किसी रिजर्वायर का अगर हमें एंट्रोपी निकालना होगा तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उससे निकल रहा है डिवाइडेड बाई वो रिजर्वायर कौन से टेम्परेचर पर है, और अगर हीट निकाल रहा है तो वो निगेटिव होगा, और अगर उस रिजर्वायर को हीट मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो होप आपको ये वाला जो है समझ में आ गया होगा कि रिजर्वायर से हीट Q1 अमाउंट निकल रहा था इसलिए माइनस क्यू अपॉन, और T1 टेम्परेचर पे था तो माइनस क्यू अपॉन T1 हो गया, और जो रिजर्वायर बी है वो हीट गेन कर रहा था इसलिए पॉजिटिव हुआ, और T2 टेम्परेचर पे था तो इसलिए क्यू अपॉन T2 हो जाएगा। तो ये हो गया रिजर्वायर के लिए चेंज इन एंट्रोपी। अब अगर हम एक पर्टिकुलर फाइनाइट बॉडी ले लेते हैं कि कोई भी रिजर्वायर मतलब क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, कितना भी अमाउंट ऑफ हीट को निकालें या उसको दें, लेकिन एक फाइनाइट बॉडी होगा तो उसमें कभी भी अगर आप हीट को निकालेंगे या फिर उसको हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो वैसे बॉडी को हम फाइनाइट बॉडी के नाम दिए हैं। तो उस केस में अगर हम देखें तो उसका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी को हम किसमें
में डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू कितना हीट ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय टी, और ये एक्चुअली ये क्या होता है, एक इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। तो अगर हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालने की कोशिश करें डेल्टा एस, तो चेंज इन मतलब हीट ट्रांसफर को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम और कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी हो जाएगा। ये एक्चुअली आपको टू दिख रहा है, टू मतलब इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये टू है, तो एम सी बी डी टी अपॉन टी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली ये क्या बताएगा, चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी तो एम सी जो है कि जो कि कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल एन ऑफ टी टू अपॉन टी वन। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए ये एक बॉडी है और यहाँ पे अगर हम हीट ट्रांसफर करेंगे और सपोज करिए इसका इनिशियल टेम्परेचर टी वन है और हीट देने के बाद अगर फाइनल टेम्परेचर इसका मान लीजिए टी टू हो जाएगा, तो अगर हमें ये निकालना होगा कि चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ एस टू माइनस एस वन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एम सी एल एन ऑफ टी टू अपॉन टी वन। तो आप डायरेक्टली ये याद रख लीजिएगा कि अगर एक फाइनाइट बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा, चेंज इन एंट्रोपी निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एम सी एल एन ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। और अगर एक रिजर्वायर का अगर एंट्रोपी निकालना होगा तो कितना रिजर्वायर से हीट निकाल रहे हैं और या दे रहे हैं डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर रिजर्वायर का किस टेम्परेचर पे है। तो ये हो गया हमारा रिजर्वायर के केस में माइनस क्यू अपॉन टी वन प्लस क्यू अपॉन टी टू, अगर हीट निकल रहा है तो माइनस और अगर हीट मिल रहा है तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय वो टेम्परेचर। और अगर एक फाइनाइट बॉडी का चेंज इन एंट्रोपी निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा, एम सी एल एन ऑफ टी टू अपॉन टी वन, मतलब कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट, एल एन ऑफ लॉगरिथमिक है ये नेचुरल लॉग है, अपॉन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। तो ये रहा हमारा एंट्रोपी के बारे में। अब हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और कंसेप्ट एंट्रोपी में होता है, ये एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एंट्रोपी से ही रिलेटेड है इसलिए समझ लेते हैं। तो एक होता है आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बताता है कि अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टी, मतलब कि कितना एक पर्टिकुलर साइकिल में कितना हीट ट्रांसफर हुआ और डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर, ये होल साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू डीएस होता है। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट क्या है क्लॉसियस इक्वालिटी के लिए, एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, ये हायर एग्जाम में पूछते हैं, हायर स्टडी में पढ़ते हैं। बट अब बस ये तीन क्राइटेरिया बस यहाँ पे याद रख लीजिएगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी के लिए, ये न्यूमेरिकल में काम एक्चुअली आएगा। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जैसे सपोज करो कि कोई भी अलग अलग साइकिल दे देगा या इस तरीके से दे देगा कि ये मान लीजिए कि एक हीट इंजन है और ये हीट इंजन है वो तीन अलग अलग रिजर्वायर से हीट रिसीव कर रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो फाइंड आउट करिए कि क्या ये पर्टिकुलर साइकिल पॉसिबल है कि नहीं, तो ये पूछ देगा। क्या ये पर्टिकुलर साइकिल रिवर्सिबल है कि नहीं, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या ये पर्टिकुलर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल है तो मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉसिबल है कि नहीं, ये भी फाइंड आउट करने के लिए इस पर्टिकुलर से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्रोसेस या कोई भी साइकिल रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के लिए क्या होगा कि अगर हम पूरा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यूब अपॉन टी, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, एक साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब कि जितने नंबर ऑफ सिस्टम है उन सब का क्यू चेंज इन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, अगर हम सबका साइन के साथ समेशन करें और उसको कैलकुलेट करें, अगर वो जीरो आ जाएगा तो वो पर्टिकुलर साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्सिबल हो जाएगा। और अगर हम इसका समेशन करेंगे, जैसे इस केस में मैं यहां पे लिखते जाता हूं, जैसे मान लेते हैं कि यहां से क्यू वन है, ये Q2 है, इसका साइन जो अलग अलग है ये Q2 है और ये Q3 है। क्लियर है? तो अब अगर हमें ये निकालना होगा समेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन टी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हीट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस रिजर्वायर से निकल रहा है, तो हम लोग निकाले थे कि चेंज इन एंट्रोपी या क्या होगा कि माइनस होता है, यानी हीट अगर किसी सिस्टम से रिलीज हो रहा है मतलब माइनस,
तो माइनस क्यू वन अपॉन टी वन, ये साइक्लिक डी क्यू अपॉन टी को कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो माइनस माइनस साइन क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, इसे निकल रहा है, तो माइनस क्यू, और कौन से टेम्परेचर पे है, तो टी वन टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 200 केल्विन है। प्लस प्लस माइनस वो तो देखना पड़ेगा, हाँ इस केस में क्या हो रहा है, हीट 300 केल्विन रिजर्वायर को मिल रहा है, तो प्लस हो जाएगा, कितना मिल रहा है 4890, या अभी फिलहाल Q2 ही लिख लेते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय 300 प्लस ये जो Q3 है वो रिलीज हो निकल रहा है, तो मतलब माइनस Q3 अपॉन 400 केल्विन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो Q1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस 820 डिवाइडेड बाय 200 प्लस Q3 यहाँ पे कितना है, Q2 कितना है 4980 डिवाइडेड बाय 300 प्लस Q3 कितना है 5000 अपॉन 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5000 इंटू 4 प्लस 4980 प्लस 300 माइनस 820 अपॉन 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, मतलब कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल जीरो आ रहा है। तो साइक्लिक इंटीग्रल मतलब कि पूरा समेशन, जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम है उसका क्यूब अपॉन टी अगर हम निकालेंगे और उसका पूरा समेशन करेंगे तो वो अल्टीमेटली अगर जीरो आ जाएगा तो वो पर्टिकुलर जो साइकिल हो जाएगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे इस केस में हमारा टोटल समेशन जो कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल साइकिल है। क्लियर है, अगर वो लेस देन जीरो आ जाता, अगर हम इसी को सॉल्व करते और मान लीजिए माइनस में अगर वैल्यू आ जाता तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है, ये पर्टिकुलर साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सेकेंड लॉ बताता है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क या पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, तो अगर यही समेशन ऑफ डेल क्यूब अपॉन टी अगर निगेटिव आ जाएगा, अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो सॉरी लेस देन अगर निगेटिव आ जाएगा तो वो पर्टिकुलर साइकिल इरिवर्सिबल है और वो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया साइन देख के। हाँ देखिए, अगर लेस देन जीरो आ जाएगा मतलब अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल ये सारे का समेशन करते हैं और अगर इक्वल टू माइन निगेटिव आ जाता तो हम निगेटिव आ जाता तब हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो साइकिल है वो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है और वो पॉसिबल है। लेकिन अगर यही समेशन करेंगे और अगर वो पॉजिटिव मान लीजिए आ जाता है तो हम ये बोलेंगे वो पर्टिकुलर साइकिल जो है वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकेगा। आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग क्या लिए थे कि जो चेंज इन जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए साइन यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव होगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा कि चेंज इन जो एंट्रोपी हो गया वो कम हो गया, मतलब वो पॉसिबल है नहीं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन चीज भी आप याद रख लीजिए यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यूब अपॉन टी अगर जीरो आ जाएगा जो कि इस केस में आ रहा है जीरो, तो मतलब वो पर्टिकुलर साइकिल रिवर्सिबल हो जाएगा। जो बोल रहा हूँ बस वही याद रखिएगा, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू मतलब समेशन निकालिए सबका, उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर लीजिए मतलब हीट का टेम्परेचर से, और उसको समेशन करिए, अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो बोलिएगा कि वो पर्टिकुलर साइकिल रिवर्सिबल है। अगर इसका जो समेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर साइकिल इरिवर्सिबल है और वो पॉसिबल है, और अगर समेशन पॉजिटिव आ जाता है तो बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचर में, ऐसा कोई यूनिवर्स में नहीं बना सकते, ये काम नहीं करेगा, ये होगा क्या हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। तो ये तीन क्राइटेरिया को याद रखिएगा, और ये साथ में हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब देखिए, अब ये वाला तो आपने नोट डाउन कर लिया, अब मान लीजिए कि मैं अगर इसके साइन को चेंज कर देता हूँ, अब साइन को मान लीजिए कि मैं भी इस डायरेक्शन में लिख देता हूँ, तो अब देखिए अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 820 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको भी मैं माइनस साइन कर लेता हूँ, माइनस 4980 300, और ये हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 500 अपॉन 400, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में कितना आ रहा है माइनस 33.2। मतलब अगर इसका साइन, अगर देखिए पहले केस में इसका साइन कैसा था, इस डायरेक्शन में था,
तो वो रिवर्सिबल साइकिल हो जा रहा था क्योंकि टोटल जीरो आ जा रहा था, ये केस वन मान लेता हूँ। और केस टू के केस में हमारा जो समेशन ऑफ डेल क्यूब अपॉन टी है वो कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इसके साइन को बस चेंज कर दूंगा तो ये पर्टिकुलर साइकिल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई रिवर्सिबल में हो जाएगा और वो पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए और कुछ डेटा को मैं चेंज करूं और ओवरऑल डेल क्यूब अपॉन टी अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर साइकिल जो है वो इम्पॉसिबल होगा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इस टाइप का सारा डेटा दे देगा, Q1, Q2, Q3, टेम्परेचर भी दे देगा, बोलेगा कि क्या ये पर्टिकुलर साइकिल पॉसिबल है या नहीं है, या क्या ये पर्टिकुलर साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो आप क्या करिएगा, इसका साइक्लिक इंटीग्रल मतलब सबका समेशन निकाल दीजिएगा, और समेशन निकालने के बाद उसको मतलब कि समेशन ऑफ DQ/T निकाल लीजिएगा, जीरो आ गया तो रिवर्सिबल, निगेटिव आ गया तो इरिवर्सिबल और पॉसिबल है वो पर्टिकुलर साइकिल, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब वो पर्टिकुलर साइकिल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से एक दो न्यूमेरिकल जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन बस ये मतलब बीटेक लेवल में ज्यादा क्वेश्चन इस लेवल पर आता है। आपके लिए जो पिछले स्लाइड में जो था एंट्रोपी का वो ही सफिशिएंट था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़े थे तो याद आ रहा है कार्नोट साइकिल में क्या होता था कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस से मिलकर बना होता था और दो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस से मिलकर बना हुआ होता था, क्लियर, यही कार्नोट साइकिल होता था। तो वहां पे हमने पीबी डायग्राम पे देखा था, अगर हम उसको टीएस डायग्राम पे प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे हीट का एडिशन होता है Q1 अमाउंट पे और आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही हीट का रिजेक्शन होता है, क्लियर है। तो अगर हम किसी साइकिल का एंट्रोपी निकालने की कोशिश करें तो इफिशियंसी निकालने की कोशिश करें तो इफिशियंसी क्या होता है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ और माइनस कितना हीट रिजेक्शन हुआ डिवाइडेड बाई Q1, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, आपको याद आ रहा होगा कि W नेट अपॉन Q1, और W नेट को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था, Q1 माइनस Q2 आ रहा था, क्लियर है। तो अब अगर हम Q1 और Q2 को इस टेम्परेचर और एंट्रोपी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए Q1 क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर मैं टीएस अगर प्लॉट पे अगर मेरे को टोटल हीट ट्रांसफर एक Q1 निकालना होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि यहाँ तक के एरिया को, अगर ये पूरे एरिया को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वही हमारा Q1 के बराबर हो जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 0.1 है तो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो अब रेक्टेंगल, तो ये T1 इंटू S1 माइनस S2, तो वो हमारा Q1 के बराबर हो जाएगा। फिर Q2 क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व ये वाला, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मतलब कि अगर मैं Q1 के टर्म्स में बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे AB लिख देता हूँ तो एरिया क्या हो जाएगा Q1 के लिए, A14B हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये T1 टेम्परेचर माइनस ये वाला इसका विड्थ, तो S1 माइनस S4 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं Q2 का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, A23B, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए T2 है तो T2 इंटू विड्थ, तो T2 इंटू S2 माइनस S3 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, T1 S1 माइनस S4 माइनस T2 S2 माइनस S3 अपॉन T1 S1 माइनस S4, अब देखिए जो चेंज इन जो एंट्रोपी है S2 माइनस S3 और S1 माइनस S4 वो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो मतलब ये सब कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा एफिशिएंसी क्या बचेगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1, और यही हम एफिशिएंसी निकाले थे कार्नोट साइकिल के लिए या रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि कभी प्रूफ भी पूछेगा कि एंट्रोपी ऑफ जो रिवर्सिबल या कार्नोट साइकिल होता है उसको टेम्परेचर के फॉर्म में अगर डिराइव करो तो आप यहाँ से PV डायग्राम से ये डिराइव कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए और इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक दो सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देन ही हमारा जो यूनिट 1 है वो बाइंड अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं न्यूमेरिकल।
चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे। तो पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द गिवन रिजर्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे दिया है कि ये भी हमारा रिजर्वायर है और ये भी रिजर्वायर है। तो जब रिजर्वायर होगा तो चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन इंट्रोपी जो हो जाएगा रिजर्वायर, मान लीजिए इसको मैं वन रिजर्वायर बोलता हूँ और इसको टू रिजर्वायर बोलता हूँ, तो रिजर्वायर वन का कितना इंट्रोपी चेंज होगा और रिजर्वायर टू का कितना इंट्रोपी चेंज होगा। तो रिजर्वायर का इंट्रोपी कितना चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हीट यहाँ से निकल रहा है तो निगेटिव, कितना हीट निकल रहा है 500 किलो जूल डिवाइडेड बाई कौन से टेम्परेचर पे है 300, क्योंकि केल्विन में है तो डायरेक्ट केल्विन में हम लोग पुट कर लेंगे, प्लस रिजर्वायर टू का क्या हो रहा है 500 किलो जूल हीट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है मतलब पॉजिटिव 500, और कौन से टेम्परेचर पर रिसीव हो रहा है 100 पे रिसीव हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ रहा है -500 अपॉन 300 प्लस 500 अपॉन 100, तो ये हमारा कितना आया 3.33। तो मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमारा आ गया 3.33, यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन, क्लियर है, किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ साइकिल। पॉसिबिलिटी ऑफ साइकिल मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है या ये इम्पॉसिबल है, मतलब वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो हम लोग इस पॉसिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यूब अपॉन टी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यूब अपॉन टी क्या होगा, तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर रिजर्वायर हैं, तो पहला जो है वो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ये वन है और ये टू है, तो क्यू वन अपॉन टी वन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है वो निकल रहा है मतलब माइनस हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिजर्वायर को हीट मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे Q2 अपॉन T2। तो माइनस क्यू मतलब कितना 100 किलो जूल निकल रहा है, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई 300 केल्विन, और इसको मिल रहा है तो प्लस 500 डिवाइडेड बाई 500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है -100 किलो जूल डिवाइडेड बाई 300 प्लस 500 किलो जूल डिवाइडेड बाई 500 केल्विन, तो ये हमारा आ रहा है 0.667, क्या साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूब अपॉन टी। तो हमने क्या लिखा था, अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूब अपॉन टी इक्वल टू जीरो है तो वो पर्टिकुलर रिवर्सिबल होता है, अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूब अपॉन टी लेस देन जीरो होता है तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्सिबल एंड पॉसिबल होता है, और साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूब अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब ये पर्टिकुलर साइकिल जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो देखें आप कि जो फर्स्ट लॉ हमें ये चीज़ नहीं बता पा रहा था कि पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर कोई प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड लॉ हमें ये चीज़ें बता ले रहा है। तो इस ये वाला अगर तीनों कंसेप्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा था, अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूब अपॉन टी जीरो तो रिवर्सिबल, लेस देन जीरो तो इरिवर्सिबल और वो पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है, और ग्रेटर देन जीरो तो मतलब वो पर्टिकुलर साइकिल जो है इम्पॉसिबल है। तो इस केस में हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, इससे हम ये हीट इंजन काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज गेटिंग हीट फ्रॉम अ सोर्स ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 20 to 50 degree। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये एक बॉडी है और कहीं से अगर इसको हीट गेन हो रहा है, तो इनिशियली इसका जो टेम्परेचर जो T1 था वो 20 degree था, और उससे ये चेंज होके T2 हो जा रहा है मतलब 50 degree centigrade। इनिशियली में ये 20 था और बढ़ के इसका टेम्परेचर 50 degree हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉडी, बॉडी का एंट्रोपी निकालना है, एंड इफ मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का जो मास है वो 10 kg दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है वो 3 किलो जूल
पर केजी केल्विन दिया हुआ है। तो मतलब गिवन डेटा में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बॉडी का 10 kg, स्पेसिफिक हीट जिसको कि सी से डिनोट करेंगे वो दिया हुआ है 3 kJ पर केजी केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 20 degrees, जिसको कि हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 + 273 तो ये हो जाएगा 293 kelvin, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर जो हीट देने के बाद हो जा रहा है वो 50 हो जा रहा है, तो 50 + 273 तो ये हमारा हो जाएगा 323 kelvin। तो अब हमें पता है, देखिए ये रिजर्वायर नहीं है, ये क्या है, एक फाइनाइट बॉडी है, इसीलिए ना हीट को ये दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फाइनाइट बॉडी के केस में हमने चेंज इन एंट्रोपी क्या लिखा हुआ है, MC नेचुरल लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल या T2/T1। तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, 10 × 3। अब देखिए 3 लिखे हैं यहाँ पे किलोजूल पर केजी, तो हमारा यूनिट भी आएगा वो किस में आ जाएगा, केजी पर केल्विन में आने वाला है। तो 3 × ln ऑफ टी फाइनल कितना है, 323/T initial 293। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा कि कितना चेंज इन एंट्रोपी है, तो 30 × ln ऑफ 323/293। तो ये आ रहा है हमारा 2.924 kJ, क्योंकि हमने इसको सी को किस में लिया है, किलो जूल में लिया है, तो इसलिए किलो जूल पर केल्विन चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारा एंट्रोपी के ऊपर में क्या कंसेप्ट है और क्या अलग अलग न्यूमेरिकल बन सकता है, और इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो एंट्रोपी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि एंट्रोपी का ज़्यादा यूनिट आप में नहीं आएगा, बीटेक में हम लोग ज़्यादा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं और इसी से मिलता जुलता एक दो और न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपका एंट्रोपी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा फाइनली यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट क्या, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो यूनिट 2 में मिलेंगे। तो देखिए यूनिट 2 में क्या है कि बहुत छोटा यूनिट है, वो बहुत मतलब कम टॉपिक है, और उसके बहुत सारे टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 में कर लिए हैं जो सेकेंड पोर्शन रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट 1 देखेंगे, मतलब कि जो यूनिट 3 का जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है, 1 वाला पोर्शन है, ठीक है, यानी जब हम लोग उसको देखेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको कंप्लीट करना है। बट इतना है कि यूनिट 1 बहुत बड़ा था और ये बेस था थर्मोडाइनमिक्स का। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक ज़्यादा मतलब आपको टफ नहीं होंगे, और यूनिट 2 छोटा है वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।